स्टार टीवी इन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ खास हमारे मेहमान हैं श्री संदीप जी नाईक। आपको नवी मुंबई का युवा नेता के तौर पर आपको जाना जाता है। नवी मुंबई के विकास में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक स्थायी समिति सभापति से लेकर लगातार विधायक बनने तक की जो यात्रा आपने तय की उसमें नवी मुंबई के तमाम विकास आपके नाम पर जुड़े हुए हैं। कई उपलब्धियाँ आपके नाम पर जुड़ी हुई हैं। भविष्य में एक सक्रिय राजनेता के तौर पर आपकी छवि है और लोग इस दृष्टि से भी देख रहे हैं। इस वक्त स्वयं आप हमारे साथ मौजूद हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे पहला सवाल यही करना चाहूँगा कि जिस तरह से लंबे समय से अभी लॉकडाउन चल रहा है, तकरीबन 4 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, कोविड संक्रमण नई मुंबई में बहुत बड़े पैमाने पर देखने के लिए मिल रहा है, आप यहाँ की जो व्यवस्थाएँ हैं उसे आप किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए कि ये कोविड संक्रमण पूरे विश्व में शुरू हुआ, भारत देश, महाराष्ट्र, नवी मुंबई, और पहले स्टेज में जो प्रदेश से भ्रमण करते हुए नवी मुंबई में आए हुए लोग उनके ऊपर नियंत्रण करना काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो फर्स्टली जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं उनको रोकने के लिए हमारी यंत्रणा सक्सेसफुल रही, क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन सभी सिस्टम के पास थी, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़, एविएशन जो करने वाली एयरलाइंस कंपनी, पुलिस डिपार्टमेंट, महानगर पालिका और आरोग्य विभाग, इनके माध्यम से जो फॉरेन से ट्रैवल करके आए हैं उनको क्वारंटाइन किया गया, उनकी टेस्ट की गई और उस समय कुछ हद तक उसको कंट्रोल किया गया। सेकेंड कनेक्शन आया कि जो नवी मुंबई में रहते हैं लेकिन जॉब के लिए मुंबई जाते हैं, थाना जाते हैं, कल्याण डोंबिवली जाते हैं, और जो हॉस्पिटल से जुड़े कुछ डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, वार्ड बॉयज हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, और कोविड सिस्टम में जो काम करने वाले जो 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 सेवा ज़रूरी है उसमें कोविड के समय काम करने वाले लोग, तो उनके वजह से संक्रमण शहर में बढ़ा, उसको भी कई हद तक हम लोग रोक पाए। लेकिन उसके बाद में APMC जहाँ पर पूरे देश भर से जो माल यहाँ पे APMC में आता है उसमें ग्रेन्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वहाँ पे लॉकडाउन किया जाए और उनको एक सिस्टम सेट की जाए, ऐसी मांग गणेश जी नाईक साहब ने नवी मुंबई आयुक्तों को की, राज्य शासन को की और कोंकण आयुक्तों को भी, लेकिन उसको और रोक किया गया। और वो कारण हुआ कि APMC में काम करने वाले व्यापारी बाहर राज्यों से आए हुए जो माल लेके आए हुए ड्राइवर्स, उनके काम करने वाले लोग, और वो संक्रमण ऑफिसर लेवल में हुआ, उसके बाद में वो संक्रमण वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स में हुआ, फिर माथाड़ी कामगार और फिर जो व्यापारी उनको भी संक्रमण हुआ और वो ज़्यादा से ज़्यादा फैला। तो ये कारण जो हुआ कि नवी मुंबई की यंत्रणा और शहरों से सक्षम होने के बावजूद APMC कनेक्शन को जो सूचना उनको बताई गई, जो उनको अलर्ट किया गया, उसको गंभीरता से न लेने के वजह से इस शहर में ये संक्रमण आज बढ़ा है। और अभी जो टेस्टिंग लैब शुरू होनी थी उसकी मांग सभी स्तरों पे तज्ञ लोगों ने की, गणेश जी नाईक साहब के साथ गए हुए डेलीगेशन ने की, कुछ राजनीति के कारण उसको भी देरी हुई, कुछ ऑफिसर्स प्रतिनियुक्ति पे महानगर पालिका में आए जो सक्षम है, अगर प्रतिनियुक्ति में सक्षम अधिकारी आता है तो उसका स्वागत है। नवी मुंबई महानगर पालिका में अभी प्रशासन काम करता है क्योंकि नगर सेवकों का कार्यकाल खत्म हुआ, मेयर अभी एक्टिव रोल में नहीं है, ये सभी काम अभी प्रशासन करता है और उसके ऊपर नियंत्रण जो राज्य सरकार में सरकार पावर में है उनका है, तो उनके माध्यम से अगर अच्छे मेजर्स लिए गए तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर उनके डिसीजन गलत है, राजनीति को सामने देखते हुए अगर उन्होंने निर्णय किए हैं और कोई अगर उनका और उद्दिष्ट है तो ये नवी मुंबई के लोगों के साथ खिलवाड़ है और ये कुछ हद तक हुआ है। जिनकी पात्रता नहीं है, जो अनुभवी नहीं है, अनुभवी लोगों को बाजू में करके उनको यहाँ पे प्रतिनियुक्ति पे लाया गया, और कोविड जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो काफी बड़ी है, जो महत्वपूर्ण है, जो लोगों के आरोग्य से जुड़ी है, लोगों के जान से जुड़ी है, ये कोविड में ऐसी राजनीति करना और ऐसे तरीके के लोगों को लाना ये काफ़ी गलत है। और जब भी नाईक साहब खुद ग्राउंड पे उतरे, एग्जीबिशन हॉल को उनकी विजिट हो, जो
पुराना होते हुए इनॉग्रेशन करने का सोचा गया। yes. उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर की कमतरता थी, डॉक्टर्स की कमतरता थी, वेंटिलेटर्स नहीं थे, सिर्फ राजनीतिक एक उनका गोल पूरा करने के लिए एक प्रयास किया गया और काफी सारी चीजें जो हम लोग पहले कर सकते थे वो उसके लिए डिले हुआ है। अभी जब नाइक साहब पर्सनली हर हफ्ते महानगर पालिका में जाते हैं, उन्होंने एग्जीबिशन कोविड हॉस्पिटल को विजिट किया, वाशी में जहाँ पे पूरा हॉस्पिटल कोविड किया है वहाँ पे विजिट किया और एमएससीबी जैसी समस्या आई थी वहाँ पे विजिट किया, तो इस समय उनको ग्राउंड पे उतरना पड़ रहा है और जो खामियां हैं जो गलतियां हैं उनको सुधारना और जो जो काम पूरे नहीं हो रहे जैसे ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, लोग मांग रहे, लोगों की जान जा रही है, तो उस चीज़ के अवेलेबिलिटी के लिए वो कंटिन्यूसली प्रशासन को फॉलो कर रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं और उनसे गलत हुआ हुआ काम सही करने का प्रयास कर रहे हैं। तो और शहरों की तुलना में हमारे शहर का काम ठीक होगा, फिर भी 100% अभी तक ट्रैक पे आया है। सर एक चीज जो आपने खुद भी जिक्र किया कि गणेश नाइक साहब ने ऑलरेडी मांग की थी कि अगर एपीएमसी को कंट्रोल पहले कर लिया गया होता या वहां पर जिस तरह के टेस्ट की जरूरत थी अगर वहां पर उस तरह की उपलब्धता कर ली गई होती तो शायद मुंबई में इतने बड़े पैमाने पर यह संक्रमण जो कोविड का नहीं फैलता। आपको लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन ने इसको लेकर नजरअंदाज किया, उनकी उनकी जो डिमांड थी उसकी उपेक्षा की गई? देखिए ये राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है वो इसमें महत्वपूर्ण है। देखिए कि एपीएमसी शुरू होना चाहिए ये चीज महत्व है, लेकिन उसको डिसेंट्रलाइज करना, वापस स्क्रीनिंग करना, एक प्रोटोकॉल सेट करना, ये चीजों की जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत थी या एक कोई सिस्टम सेट करना था वो कर नहीं करते हुए उन्होंने चालू रखा। इसका खामियाजा क्या हुआ कि आज नवी मुंबई में संक्रमण बढ़ा है, काफी व्यापारियों की डेथ हुई है, मावथाड़ी कामगारों की डेथ हुई है, तो ये एक चीज जिसकी सूचना कुछ लोगों ने की और उसको गंभीरता से नहीं लिया गया और उसके ऊपर अच्छे उपाय योजना न करने के वजह से आज ये खामियाजा नवी शहर को भुगतना पड़ा। सर एक चीज जो देखने के लिए मिल रही है कि जो अभी वर्तमान में नायक साहब ना तो पालक मंत्री हैं ना कुछ इस तरह की बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन एक विधायक होने के नाते भी इस शहर का पालकत्व तो इस वक्त वो संभाल रहे हैं जबकि लोगों के बीच में इतना बड़ा रिस्क लेकर वो खुद प्रशासन से मिल रहे हैं, लोगों की तकलीफें देख रहे हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं वहां तक राशन और दूसरी चीजें भी पहुंचा रहे हैं, जो समस्याएं हैं चाहे बिजली के बिल की समस्या हो दूसरी समस्या उसको लेकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन वहीं अगर देखें तो जिसकी ये जिम्मेदारी है जिस पालक मंत्री की एकनाथ शिंदे की वो एक तरह से नदारद है। और जब कोविड संक्रमण जो कोविड केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन का समय आया तो सारे के सारे जो महागाड़ी के मंत्री थे वहां पर अचानक जमा हो गए। आपको नहीं लगता कि एक तरह की बड़ी जो विफलता है वो पालक मंत्री के तौर पर या जो सरकार के जो प्रशासनिक लोग हैं उनकी विफलता है जबकि नाइक साहब स्वयं रिस्क लेकर इसको फ्रंट फुट पर आकर काम कर रहे हैं? देखिए कि कौन असफल है कोई विफल है इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन निश्चित रूप से आदरणीय गणेश जी नाइक साहब का समाज नीति में राजनीति में अनुभव, प्रशासन के ऊपर उनका एक अंकुश और उनका कंट्रोल, उसकी समझ और सही में लोगों की समस्या जान के उनको उस समस्या को समाधान करने की क्षमता, ये नाइक साहब का अनुभव उसमें बड़ा है और उनके इरादे नेक है। देखिए कि हम सभी परिवार के लोगों को कार्यकर्ताओं को उन्होंने सूचित किया कि ये समय ऐसा है कि इस समय हमारे शक्ति से हम जो भी कुछ कर सके वो हमें इस शहर के लिए करना है, लोगों के लिए करना है। कौन कौन से जात का है, धर्म का है, पंथ का है, कौन से इलाके का है, कौन से पक्ष का है, यह न देखते हुए जो अपने से यथाशक्ति हम लोग जो मदद कर पाए ये हमारा कर्तव्य है। और उन्होंने ये भूमिका एक उनका कर्तव्य न समझ के नवी मुंबई के कुटुंब प्रमुख है और उनको सही मार्गदर्शन इस शहर के लोगों को देना है और उनको सुरक्षित रहने की जिम्मेदारी उनकी है, ये एहसास उन्होंने बाकी लोगों को दिला के खुद उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, खुद ग्राउंड पे वो उतरे। उन्होंने हमने कहा कि सच्चे योद्धा की परख ये रणभूमि में होती है और ऐसे समय आपको खुद को सुरक्षित रखते हुए, अपने कुटुंब को सुरक्षित रखते हुए जो भी काम आप कर सके आपके अनुभव से आपकी क्षमता से वो आप करो। और उन्होंने खुद बाहर आके जो जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे उन्होंने विजिट की
प्रशासन की खामियां दिखाई, जहां पे अन्याय हो रहा था उधर न्याय दिलाना भी किया, उन्होंने उनकी भूमिका रखी और उनको देखते हुए उनके ऊपर प्यार करने वाले, उनके विचारों के ऊपर काम करने वाले सभी लोग ये सब बाहर आए और उन्होंने एक काम करने का प्रयास किया। और ये मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि कुछ पद पे एक पावर सेंटर में न होते हुए उन्होंने ये भूमिका बजाई। अगर वो कोई जवाबदारी के अगर पद में होते तो निश्चित रूप से एक बेहतर रोल, एक अच्छा काम इस शहर के लिए और ठाणे डिस्ट्रिक्ट के लिए वो कर पाते। तो सर, एक जो बड़ा सवाल अभी उभर कर आ रहा है कि लगातार नाइक साहब आयुक्त को मिल रहे हैं और जो कमियां हैं उसकी डिमांड रख रहे हैं कि आप इसे तत्काल जनहित में, नवंबईकरों के हित में पूरा किया जाए। दादा ने ऑलरेडी 200 वेंटिलेटर उपलब्ध कराने के लिए, जिस तरह से संख्या बढ़ रही है उसके हिसाब से 200 वेंटिलेटर उपलब्ध कराने के लिए कहा था। कुछ 80 वेंटिलेटर जो है आयुक्त ने उपलब्ध कराने के लिए भरोसा दिलाया है। खुद पालक मंत्री ने कहा था कि 100 वेंटिलेटर देंगे हम, लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने उतना कोई व्यवस्था नहीं की है, सिर्फ 10 वेंटिलेटर आए हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारी डिमांड जो सही तरीके से नवंबईकरों के लिए रखी जा रही है, नाइक साहब रख रहे हैं, उस डिमांड को पूरा करने में कहीं ना कहीं राज्य सरकार राजनीति कर रही है, जिसके वजह से ये सुविधाएं जो है नवंबईकरों के हित में अभी तक नहीं पहुंच पाई है? देखिए, ये बात तो सही है कि जिस तरीके से प्रशासन नवी मुंबई में अभी पूरा कामकाज देख रहा है तो उसमें जो स्टेप्स और जो डिसीजंस और जो उपलब्ध दिया जो करनी चाहिए थी उस क्षमता में नहीं हुई। इसलिए नाइक साहब को हर हफ्ते महानगर पालिका में जाना पड़ता है और हम लोगों ने कहा है कि हम वो मांग करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे, अगर फिर भी नहीं हुआ तो हमको आंदोलन करना पड़ेगा। और मुझे विश्वास है कि जिस गति से, जिस धारणा से नवी मुंबई में एक भी पेशेंट यहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट के बिना न रहे, जिस तरीके का बेड उसको जरूरत है, उसको वैक्सीन जरूरत है, उसको दवाई की जरूरत है, उसको ऑक्सीजन सप्लाई करना चाहिए, उसको ICU बेड चाहिए, तो वो उपलब्धियां करने की मांग और उसके तरीके भी नाइक साहब प्रशासन को बता रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि उन्होंने कहा कि जब तक नवी मुंबई से कोरोना पूरी तरह से नहीं जाता तब तक ही मैं फॉलो चलूंगा। और उनका अनुभव और प्रशासन के ऊपर उनका अंकुश और उनकी मन की सच्ची धारणा निश्चित रूप से नवी मुंबई को कोरोना मुक्त करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, अभी जो लॉकडाउन जो ये हुआ है इतना लंबा, उसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या लोगों के सामने आ गई है, जैसे आरोग्य के लिए आप लोग चिंता कर रहे हैं, वैसे बिजली बिल को लेकर भी बहुत बड़ी समस्या अभी नवंबईकरों के सामने आ गई, बेतहाशा बिजली बिल आए हैं, जबकि आर्थिक तंगी के बीच में ये सारी चीजें हो रही हैं। दादा ने कहा कि अगर ज्ञापन भी दिया गया और ये डिमांड की गई है आप लोगों की तरफ से कि अगर ये बिजली बिल में अगर सुधार नहीं हुआ या रियायत लोगों को नहीं दी गई तो निश्चित तौर पर आप लोग सड़क पर उतरेंगे। अभी इस वक्त क्या भूमिका है सर, क्या बिजली विभाग का कहना है? नवी मुंबई शहर MSEB महावितरण को एक अच्छा रेवेन्यू देने वाला शहर। इसके बावजूद इस मार्च के लॉकडाउन के बाद में जिन लोगों को एवरेज बिल 2000 आते थे तो 3 महीने का उनको बिल 6000 आना चाहिए, तो उनको महीने के बिल 6000 आए। हालांकि जो एनर्जी मिनिस्टर ने वहाँ पे घोषित किया था कि 500 पॉइंट्स तक हम लोग, ये यूनिट्स तक हम लोग बिजली माफ करने का सोच रहे हैं। अच्छा, और फिर उन्होंने रीडिंग किया ही नहीं और रैंडमली ये अन्यायकारक बिल लोगों को भेजा, तो वो खुद से वो रेक्टिफाई, देखिए आप आइए सोशल डिस्टेंस न संभालिए और आपको हो सकता है तो आप बिल रेक्टिफाई करिए, ये बात नहीं, आपने रीडिंग नहीं ली और आपने गलत बिल भेजे तो उसको पहला सुधारना चाहिए और ये स्थिति में आपको ये बिल लॉकडाउन के समय माफ करने चाहिए। एक भी बिल नहीं भरा इसलिए किसी का कनेक्शन काटा तो हमें रास्ते पे उतरना पड़ेगा और ये नाइक साहब ने बोला है और इसके लिए सभी जो निवेदन और उनकी मांगे हम लोगों ने जो भी अथॉरिटी के पास भेजे, अगर भविष्य में इस चीज को राज्य सरकार ने सीरियसली नहीं लिया और लोगों के ऊपर अन्याय किया तो हमें रास्ते पे उतरना पड़ेगा। सर, आप शिक्षा को लेकर लंबे समय से काम कर रहे हैं, आपने कई ऐसी उपलब्धियां नवंबई के हिस्ट्री में आपने जोड़ी है, जैसे बेहतर एजुकेशन के लिए बेहतर स्कूल्स होने चाहिए नवंबई में। इस वक्त जो पेंडेमिक इमरजेंसी चल रही है, इस दौर में बच्चों की शिक्षा, जो खासकर गरीब तबका है, जो स्लम में रहने वाले बच्चे, उनको एजुकेशन को लेकर बड़ी समस्या पैदा हो गई है। नाइक साहब ने खुद महानगर पालिका आयुक्त से कहा कि उनकी छात्रवृत्ति को रिलीज किया जाए, स्कॉलरशिप पे उनको रिलीज किया जाए ताकि उनके घर में पैसा जाए और फिर स्कूलों को अलग तरीके से शुरू करने की कोशिश की जाए।
क्या आगे की भूमिका है सर, और जो ये डिमांड है कितनी कितना उसको गंभीरता से लिया जा रहा है राज्य सरकार की से? पैंडेमिक में सबसे महत्वपूर्ण हेल्थ सेक्टर है। यस, अभी सद्य स्थिति में इसका संक्रमण रोकना और लोगों को पेशेंट्स को ट्रीट करना और भविष्य में लॉन्ग टर्म ऐसा अगर कोई वापस ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई तो उसको फाइट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान हमें करने पड़ेंगे। उसके साथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है एजुकेशन। अभी सभी गरीब अमीर CBSE IB प्राइवेट स्कूल्स महानगर पालिका सबके पेरेंट्स अभी अपने बच्चों के एजुकेशन करियर और इस साल के लिए चिंतित है। तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट से क्या गाइडलाइन आ रही है, कभी स्कूल ओपन हो रही है, लेकिन महानगर पालिका के स्तर पे हमें अभी एक जागरूकता हम लोगों में लानी पड़ेगी, हमको उसके लिए भी सोचना पड़ेगा। देखिए अगर आप ई लर्निंग शुरू किए, अगर ऑनलाइन टीचिंग हो रहा है तो उसमें टैब देने से या कंप्यूटर घर में आने से उसको एजुकेशन मिला ऐसा मैंने समझा। स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए 6 घंटा स्कूल में बैठना पड़ता है, तो 6 घंटे स्क्रीन के सामने क्या बच्चे बैठ पाएंगे, पेरेंट्स उसको उनके साथ बैठ सकेंगे, ये सिलेबस कवर कर पाएंगे और उनको बच्चों को कितना सीखने को मिलेगा। अगर हम लोग ऑनलाइन ही एजुकेशन अगर आगे बढ़ाने वाले तो महानगर पालिका के बच्चों को हम लोग मोबाइल में पढ़ेंगे या उनके लिए टैब अवेलेबल किए जाएंगे या उनके लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाएगा, उनकी समझ भी हमको अपग्रेड करनी पड़ेगी, टीचर्स लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो ये सब चीज़ हमको एक ढांचे में बिठाना जरूरी है। तो उसके लिए अभी हमारे स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आदरणीय नाइक साहब ने जो आयुक्त महोदय है उनको भी उनको पत्र लिखा है कि जो पॉलिसी आएगी उसके लिए हमारे सिस्टम को भी अपग्रेड करना और उसकी तैयारी शुरू करना ये काफ़ी ज़रूरी है। महानगर पालिका में पढ़ने वाले बच्चे जो स्लम से रिलेट करते हैं, जो गांव से रिलेट करते हैं, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जिनकी अर्निंग है उनके बच्चे, उनको भी एजुकेशन की सुरक्षितता वो हमें देनी जरूरी है और उसके लिए महानगर पालिका को नाइक साहब ने अलर्ट किया है और आने वाले समय में उसके एक फ्रेमिंग के लिए हम लोग भी मान्य आयुक्त महोदय को सूचनाएं करेंगे। यूथ आइकॉन के तौर पर भी आपको देखा जाता है और लंबे समय से जो आप विधायक रहे हैं उसके बाद आपने, उसके पहले आपने स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के तौर पर नवम्बई को नेतृत्व किया है, आने वाले समय में किस तरह से आप इसे बढ़ाना चाहते हैं, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें जोड़ना चाहते हैं? देखिए कि मुझे समाज नीति में और राजनीति में काम करने का जो मौका मिला है, जो अनुभव मेरा है, उस अनुभव का उपयोग मैं समाज के हित के लिए करूँगा। मुझे, मैंने नगर सेवक के दौर 5 साल काम किया, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन में 3 साल रह चुका हूँ, 10 साल का मेरा विधानसभा में, विधानसभा का मेरा अनुभव है, तो निश्चित रूप से उसमें हुए हुए डिस्कशन, इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हुए हुए चर्चाएं, अधिकारियों से हुई बात और एक प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना, भविष्य में हमारे शहर के लिए क्या ज़रूरत है, हमारे शहर के लोगों की ज़रूरत क्या है, सीनियर सिटीजन लोगों की ज़रूरत क्या है, विमेन्स एम्पावरमेंट के लिए क्या करना चाहिए, यूथ के लिए क्या करना चाहिए और अलग अलग सेक्टर्स में स्पोर्ट्स है, एक्स्ट्रा करिकुलर है, उसके लिए तो एक अनुभव मुझे आया है, तो भविष्य में उस अनुभव को समाज के हित में बढ़ाने का प्रयास मैं निश्चित रूप से करूँगा और जो अनुभव हमें आया है अगर हम आने वाली जनरेशन को उसको न दें तो ये गलत होगा, तो मेरे से जितना हो सके उतना काम समाज नीति में मैं करूंगा। दो आखिरी सवाल सर, आप लोगों की इच्छा थी कि नवम्बई को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया जाए जहां बेहतर आरोग्य सेवा हो, बेहतर एजुकेशन हो, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपको नहीं लगता कि पिछले 3-4 सालों में जिस तरह से आयुक्तों का लगातार तबादला होते रहा है तो उससे नवम्बई का विकास बाधित हुआ है, और जो आपका सपना है, जो नाइक साहब का सपना है कि नवम्बई को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने का, वो सपना कहीं ना कहीं अधूरा रह रहा है, उसमें बाधा आ रही है? देखिए कि हम लोग और शहरों से बेहतर है लेकिन समय समय पे होने वाले बदलाव ये शहर को पीछे लेके जाते हैं, इस बात से मैं सहमत हूँ। एक 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 कोई आदमी चार्ज लेता है तो सब चीज़ की समझ आने के बाद में उसको काम करने का मौका देना चाहिए, उसको जब तक काम की समझ आती है तब तक उसके हाथ से काम
दूसरे हाथ में जाता है, तो उसको वो काम समझना और वापस विकास को गति देना वो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो एक एक सफिशिएंट पीरियड एक इंसान को काम करने के लिए देना चाहिए। नवीन भाई को आप किस मुकाम पर ले जाने की इच्छा? नवीन भाई का नाम आज पूरे महाराष्ट्र में, आज पूरे भारत में और पूरे विश्व में है। तो हर फैसिलिटी हमारे शहर में अच्छी हो और हमारी सिटी हेल्दी सिटी, जिस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, जिस शहर में एजुकेशन अच्छा है, जहाँ पे सभी लोग अच्छे से रहते हैं, ऐसे एक अच्छे तरीके से एक हेल्दी सिटी करके हमारे शहर का नाम हो और उसके लिए काम करना, ये मैं महत्वपूर्ण समझता हूँ। अधिकांश युवा आपको यूथ आइकॉन के तौर पर, अपने रोल मॉडल के तौर पर देखते हैं। आपकी छवि, आपके काम करने का तरीका, आपकी सादगी, किस तरह से आप उन्हें संदेश देना चाहेंगे कि वो नवीन भाई के विकास में, नवीन भाई के उत्थान में अपनी भूमिका? देखिए कि इस पैंडेमिक में युवकों की जवाबदारी काफी बड़ी है। एक कुटुंब में, हर एक घर में कोई सीनियर सिटीजन है, बच्चे है, तो ऐसे समय सब जगह पे खुद को संभालते हुए कुटुंब को संभालना और कुटुंब को संभालते हुए समाज की भी प्रति हमारी जवाबदारी पूरी करना, ये जवाबदारी यूथ की है। आज यूथ सब जगह पे बाहर है और ऐसे समय में आप देख रहे हैं कि जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनकी एज ज़्यादा है, वो कोरोना संक्रमण से जल्दी बाधित हो रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि एक कुछ रिपोर्ट ऐसा कहता है कि यूथ की डेथ्स भी इस समय ज़्यादा है। तो ये क्यों है? इनकी इम्यूनिटी कम है? नहीं, वो कॉन्फिडेंट है, वो और कॉन्फिडेंट है, लेकिन कुछ जगह पे वो और कॉन्फिडेंट भी। देखिए कि जिस समय आपको मालूम पड़ा कि आप कोरोना पेशेंट के संपर्क में आए, इमीडिएटली आपको आपकी टेस्टिंग करनी चाहिए। आप इमीडिएट टेस्टिंग करेंगे तो आप खुद को आइसोलेट करेंगे, अपने फैमिली को उससे बचाएंगे और जगह पे संक्रमण फैलने से रोकेंगे। अगर आप बोलेंगे कि मुझे, मैं उस बाधित हुआ हूँ लेकिन मेरी इम्यूनिटी अच्छी, मैं यूथ हूँ तो मैं ठीक हो जाऊँगा, मेरा बुखार ठीक हो जाएगा, तो उस समय आप खुद को वीक करते हैं और आपकी स्थिति क्रिटिकल होती है और ऐसे स्थिति में आप आते हैं कि उस समय वापस आपको ठीक करना ये डिफिकल्ट हो जाता है। अगर युवाओं ने खुद को संभालते हुए, अपने परिवार को संभालते हुए, समाज की जवाबदारी लेके, अगर सही टाइम पे आपने अगर टेस्ट किए और आप हॉस्पिटलाइज हुए, तो आप खुद को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं और अपने समाज को भी बचा सकते हैं। तो युवकों की ये काफ़ी बड़ी जवाबदारी है। कुछ जगह पे कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, कुछ कोरोना वॉरियर्स में जो काम करने वाले लोग हैं, वो खुद संक्रमित होते हैं, लेकिन खुद संक्रमित होने के बाद इमीडिएटली खुद को टेस्ट करना और एडमिट करना ये काफ़ी ज़रूरी है। उनका सोना, उनका खाना ये समय पे न होने के कारण आज काफ़ी यूथ भी इस संक्रमण में आके अपनी जान गंवा रहे हैं। तो खुद को संभालिए, अपने परिवार को संभालिए और समाज के प्रति अपना कर्तव्य समझ के जागरूकता से आप रहिए, इतनी अपील मैं उससे करूँगा। सर बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने बहुत अपना व्यस्त समय दिया। जैसा कि आपने सुना, खुद आपसे हमारे तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे श्री संदीप नायक जी। आपने नवीन भाई के विकास को लेकर और नवीन भाई के भविष्य के विजन को लेकर जिस तरह से अपनी बात रखी है, हम उम्मीद करते हैं कि उसमें आप और पूरी नवीन भाई जो है सफल होगी। आज की बातचीत में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए TV1 India। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 India को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।